Good morning, students. Again, I am K.L. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class 6, at present we are studying organism and their surrounding, about habitat. Now today I am going to discuss with you about a special kind of habitat which is known as aquatic habitat. Class 6, aquatic habitat means such type of habitat which occurs inside the water. आपको पता है वाटर के भीतर भी ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स भी रहते हैं वाटर के भीतर, जैसे फिश, जैसे क्रैब, जैसे टॉर्टोइस, ठीक, और कुछ प्लांट्स भी रहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर के भीतर, जैसे लोटस. लोटस मीन्स कमल, लोटस का प्लांट देखा होगा आपने, और डाउटलियस क्लास में एक बच्चे ने पूछा था उनसे, सर हाइड्रिला क्या होता है? हाइड्रिला यहाँ पर मैंने लिखा है, तो हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है. इट इज ए स्पेशल प्लांट विच फाउंड इन साइड द वाटर. ठीक, सो एक्वेटिक हैबिटेट इज सच टाइप ऑफ हैबिटेट विच ऑकर्स इन साइड द वाटर. अब इनसाइड द वाटर जो है वो तीन तरह का, दो तरह का आपके रूप में दिया हुआ है. इनसाइड द वाटर का मतलब हो सकता है ओशियंस में, और ये हो सकता है लेक साइड पॉन्ड्स में. दोनों ही एक्वेटिक हैबिटेट हुए. अगर कोई लिविंग, इफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, इज यूज्ड टू लिव इनसाइड द ओशन, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. And if any plant or animal used to live inside the lake and pond, then it is also said to be aquatic habitat. ये दोनों aquatic habitat हैं, लेकिन दोनों में difference है थोड़ा सा. As you know, students, oceans are very deep, whereas lakes and ponds are not so deep. ये बहुत deep नहीं होते. तो those animals which used to live inside the water, they are having some special adaptation. हमने आपको adaptation का मतलब बताया था, शायद कुछ बच्चों को याद होगा adaptation का मतलब. adaptation means वो अपनी body में क्या changes कर लेते हैं कि वो उस surrounding में रहने के लिए able हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं adaptation. ठीक, अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हम aquatic habitat का adaptation डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी में आपको पता चल जाएगा. हाँ, एक और बात, डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज डाउट क्लियरेंस क्लास. उस डाउट क्लियरेंस क्लास में एक बच्चे ने हमसे पूछा था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शर्मा, उसने पूछा था हमसे, व्हाट आर सक्सुलेंट. साक्षी शर्मा, साक्षी शर्मा, आप जरूर देखिए ये वीडियो और इसको अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लीजिए. व्हाट आर सक्सुलेंट प्लांट, हमसे साक्षी ने पूछा था, किसको कहते हैं सक्सुलेंट. इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं, सक्सुलेंट प्लांट बेटा उस उन प्लांट्स को कहा जाता है जो अपने बॉडी पार्ट में कुछ खास मटेरियल्स को स्टोर करके फ्लेशी हो जाते हैं, जूसी हो जाते हैं, उनको हम सक्सुलेंट प्लांट कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल आपको हम दें, जैसे कैक्टस है, कैक्टस, तो कैक्टस अपनी बॉडी में अपने स्टेम में क्या करता है, वाटर को स्टोर करके फ्लेशी हो जाता है, मोटा हो जाता है, फ्लेशी हो जाता है, तो हम कैक्टस को कहते हैं सक्सुलेंट प्लांट. बात समझ में आई? ऐसे आपके बुक में ढेर सारे प्लांट्स का डायग्राम दिया हुआ है जो सक्सुलेंट प्लांट्स हैं. आप अपने बुक में डायग्राम देखिएगा, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं जो सक्सुलेंट प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं. हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने का, वो डायग्राम कहाँ पे है आपका, तो सक्सुलेंट प्लांट का डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है. कैक्टस जो है वो सक्सुलेंट प्लांट्स हैं,
और एक और प्लांट का नाम हम आपको बता दें, एक प्लांट है जिसकी लीफ होती है राउंड लीफ होती है, पॉमेट लीफ होती है उसको, और उसमें लीफ से रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं अजूबा प्लांट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्रायोफिलम प्लांट, ब्रायोफिलम। तो ये ब्रायोफिलम प्लांट भी सक्सुलेंट प्लांट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं ब्रायोफिलम की वो बहुत ही मोटी होती हैं, फ्लेशी होती हैं। सो दोज प्लांट्स आर नोन एज सक्सुलेंट प्लांट्स विच यूज टू स्टोर सम स्पेशल काइंड ऑफ फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और वाटर इन साइड देयर बॉडी पार्ट्स। क्लियर हो गया साक्षी? इसीलिए हम वीडियो बता रहे हैं कि खाली साक्षी ही नहीं, पूरा क्लास हमारा जान जाए कि सक्सुलेंट प्लांट क्या क्या होता है, शायद सारे बच्चे जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। एक्वेटिक हैबिटेट में अगर कोई एनिमल रह रहा है तो उसकी बॉडी में क्या एडेप्टेशन होना चाहिए तभी वो एक्वेटिक हैबिटेट में रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। चलिए हम पूछ लेते हैं साक्षी से, हमारे पास बेटा ऐसा क्या ऑर्गन डेवलप हो जाए तो हम इन साइड के वाटर रह सकते हैं? कौन सा ऑर्गन डेवलप हो जाए, कौन सा क्रिश शर्मा, कौन सा ऑर्गन डेवलप हो जाए? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर अगर गिल्स प्रेजेंट हैं रेस्पिरेशन के लिए, अगर गिल्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में ले सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक एडेप्टेशन हुआ। एक और एडेप्टेशन आपको बताते हैं, ओशंस में रहने वाली फिशेज हो या लेक्स एंड पॉन्ड्स में रहने वाली फिशेज हो, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसको कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं जब बॉडी वी शेप की हो, इस शेप की बॉडी हो, वी शेप की बॉडी। अच्छा, वी शेप की बॉडी रहने से क्या एडवांटेज मिलता है इनको? अगर वी शेप की बॉडी है एनिमल्स की तो उनको क्या एडवांटेज मिलता है? उनको एडवांटेज ये मिलता है कि पानी में वाटर के इन साइड में उन एनिमल्स को आगे बढ़ना है, तो अगर बॉडी का शेप इस तरह का रहेगा तो आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा वाटर उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉडी का शेप ऐसे अभी के शेप में है, आगे ऐसे नुकीला है, तो वो पानी में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं। सो फॉर मूवमेंट इनसाइड द वाटर और फॉर लोकोमोशन इनसाइड द वाटर स्ट्रीम लाइन बॉडी इज वेरी एसेंशियल। सो यू कैन ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर हैविंग स्ट्रीम लाइन बॉडी। देखिए फिश की बॉडी ऐसे ही होती है स्ट्रीम लाइन, जितनी भी फिशेज आप जानते होंगे ABCD XYZ जो भी फिश है उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन। ये दूसरा एडेप्टेशन। अब एक और एडेप्टेशन बताते हैं, तीसरा, थर्ड एडेप्टेशन एक्वेटिक एनिमल्स में ये होता है कि उनकी बॉडी कवर होती है स्केल्स से, स्क्लेरॉइड से उनकी बॉडी कवर होती है। क्यों बॉडी के ऊपर कवरिंग क्यों जरूरी है? बॉडी के ऊपर कवरिंग इसलिए एसेंशियल है बेटा क्योंकि वाटर के भीतर उस ऑर्गेनिज्म को रहना है, चारों तरफ से वाटर, उस अगर कवरिंग नहीं रहेगी बॉडी पे तो सराउंडिंग वाटर चारों तरफ से उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करेगा, बॉडी के भीतर जाएगा, और किसी की भी बॉडी में अगर कॉन्टिन्यूसली वाटर जा रहा है तो उसकी बॉडी बस्ट कर जाएगी। तो थर्ड एडेप्टेशन इज देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स। ये थर्ड एडेप्टेशन है, ठीक। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास अगर ये तीन एडेप्टेशन हैं तो वो एक्वेटिक एनिमल वाटर में रहने के लिए वाटर में सर्वाइव कर ले जाएगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बता दें आपको। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफाइट्स। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स, ठीक। These hydrophytes used to float upon the surface of water. Hydrophytes water के surface में float करते हैं।
तो क्या इनके पास फ्लोट करने के लिए कोई ऑर्गन होता होगा, तभी ये फ्लोट करते होंगे, नहीं तो हम मैंगो के ट्री को डाल दें तो मैंगो का ट्री फ्लोट करेगा जी पानी में? बहुत कम पानी हो तो फ्लोट करेगा जी? नहीं, अधिक पानी हो तो फ्लोट करेगा, कम पानी में नहीं फ्लोट करेगा। तो ऐसा क्या होता है इसके भीतर, हाइड्रोफाइट्स के भीतर? ऑल हाइड्रोफाइट्स आर हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू व्हिच इज नोन एज पेरेंटाइमल टिश्यू। स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू दिया है और जिस चीज में एयर फिल्ड होती है वो पानी में फ्लोट करते हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बाइसिकल सब लोग देखे होंगे, बाइसिकल वही साइकिल जिससे आप लोग चलते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं, गिराते हैं, खुद भी चोट खाते हैं, साइकिल को भी चोट पहुंचाते हैं, उसी साइकिल की हम बात कर रहे हैं। उस साइकिल के जो दोनों पहिए हैं उनमें ट्यूब होता है, ट्यूब सबसे बाहर टायर होता है, टायर के बीच में उसका ट्यूब होता है, उस ट्यूब में एयर फिल करते हैं। अच्छा, हम उस साइकिल के ट्यूब को ले लेते हैं, दोनों ट्यूब ले लेते हैं, एक ट्यूब में हमने एयर फिल कर दिया और दूसरे ट्यूब में हमने एयर नहीं फिल किया, दोनों को हमने किसी पॉट किसी लेक में डाल दिया, क्या होगा? जिस ट्यूब में एयर फिल्ड है वो ट्यूब उस वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा, और जिस ट्यूब में एयर नहीं फिल्ड है वो साइकिल का ट्यूब नीचे डूब जाएगा। होता है ऐसा? होता है बच्चों? ठीक वैसे ही इफ एनी प्लांट इज हैविंग एयर टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच इज फिल्ड विद एयर देन सच प्लांट इज एबल टू फ्लोट अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये एक एडेप्टेशन हुआ ना प्लांट्स के लिए, ये एक एडेप्टेशन हुआ। कौन सा एडेप्टेशन? दे पजेस्ड एयर टाइप ऑफ टिश्यू बिकॉज ऑफ व्हिच दे यूज्ड टू फ्लोट अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर। ये बात समझ में? एक और एडेप्टेशन होता है प्लांट्स में, इन प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, जिसको हम वाटर पॉलिनेशन कहते हैं, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन। तो जो वाटर वाले प्लांट हैं, जो एक्वेटिक प्लांट हैं, उनमें पॉलिनेशन होता है वाटर से, क्योंकि वहां पे बटरफ्लाई आएगी नहीं, वहां पे कोई इंसेक्ट आएगा नहीं, पानी है चारों तरफ, ओशन में कोई फ्लावर है चारों तरफ पानी है, तो वहां पे कैसे आएगी बर्ड, कैसे आएगा इंसेक्ट, कैसे आएगी बटरफ्लाई पॉलिनेशन के लिए? नहीं आ पाएगी। तो उनका पॉलिनेशन वाटर में, वाटर से होता है। बस समझ में आ रही है? जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर में गिर जाता है और वाटर करंट के साथ ही वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है और उसको पॉलिनेट करता है। तो ये दो एडेप्टेशन एक्वेटिक प्लांट्स के लिए और तीन एडेप्टेशन हमने आपको बताए हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और उसके बाद हमने आपको बताया है सक्सुलेंट प्लांट। इतनी चीज़ें हम लोग आज पढ़े। अब आज का होमवर्क स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज रिटन हियर, ड्रॉ फिगर 9.11 इन योर होमवर्क कॉपी एंड सेंड इट ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर फॉर चेकिंग। अब इतना जरूर बता दें फिगर 9.11 है क्या? फिगर 9.11 हाइड्रिला प्लांट का डायग्राम है, हाइड्रिला प्लांट का डायग्राम। ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स डू योर होमवर्क इन टाइम एंड सेंड ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप बिफोर 3 PM। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। रिवाइज दिस वीडियो, रिवाइज डॉट पेजेस, रिव्यू दिस वीडियो, रिवाइज डॉट पेजेस, रिवाइज अबाउट एक्वेटिक हैबिटेट, रिवाइज अबाउट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट एंड रिवाइज अबाउट द एडेप्टेशन फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। That's all students, stay home and be safe. Thank you class 6, thank you.